अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DElEd UP BTC एडमिशन 2019। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि BTC का फॉर्म कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम DElEd बदलकर हो चुका है उसका फॉर्म कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म आपकी मई में इसकी प्रक्रिया शुरू होनी थी, मई खत्म हो चुकी है। जून के पहले सप्ताह में फिर न्यूज आती है कि जून के फर्स्ट वीक में दोस्तों ये आपकी BTC फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अभी तक दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया। दोस्तों आज हमारी 15 जून 2019 तक की अपडेट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस समय काफी ज्यादा लेट हो रहा है। देखिए जितना ज्यादा लेट होगा उतना ज्यादा जो सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों उतना ज्यादा समय लगेगा। BTC का एक रूल होता है, जब से BTC स्टार्ट होती है उसी दिन से दोस्तों 2 साल जोड़े जाते हैं। तो पहले 2 साल में BTC का एडमिशन किया जाता है। तो इस समय एक सवाल और आ रहा है कि क्या करना सही होगा, BEd या BTC या DElEd? एक ही नाम है, BEd या DElEd, सीधे सीधे। और दोस्तों नई शिक्षा नीति क्या कहती है उसको भी आज हम लोग समझेंगे कि आपको क्या करने से ज्यादा फायदा होगा और क्या करने से ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोनों में कंपैरिजन भी किया जाएगा कि भाई दोनों की फीस में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों में एज लिमिट ली जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, अगर BEd अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेट कॉलेज की जो फीस आती है लगभग 51,000 रुपये आती है, और BTC की दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की फीस आती है 41,000। और सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों BEd की फीस होती है 30,000 और BTC में 41,000। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि लगभग दोनों की फीस सेम होती है 2 साल की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती है। तो यहाँ पर पहले साल में 15,000 और दूसरे साल में 12,000 देना पड़ता है। और दोस्तों वही BTC में 10,200 रुपये और 10,200 पहले और दूसरे साल दोनों। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों की एज लिमिट क्या है। देखिए दोस्तों, एज लिमिट जो हमारी BTC BEd में होती है वो फिलहाल नो एज लिमिट है। तो 18 साल तो कम से कम चाहिए होंगे, उसके बाद कोई एज लिमिट नहीं है। और BTC में दोस्तों आपकी एज लिमिट आ जाती है कम से कम आपके 18 साल और अधिक से अधिक 35, 40 और 50, ये 3 क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर BEd अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके क्या चाहिए होगी क्राइटेरिया। 50% जनरल और OBC, ST, SC और ST के बच्चे को सिर्फ पास होना जरूरी होता है, ठीक है, अगर BEd करना है दोस्तों। तो UP DElEd BTC, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज जरूरी होती है वो देख लेते हैं कि द एप्लीकेशन मस्ट हैव क्लियर द ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो ग्रेजुएशन पास करते हैं उसमें कम से कम 50% नंबर चाहिए होते हैं। और आपकी क्राइटेरिया दोस्तों आपकी SC, ST और OBC के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, जो कि 45% आ जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बात और हम लोग करना चाहेंगे कि क्या करना सही होगा, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले पूरी सही तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर आज की डेट में आपको BEd करना है तो अच्छा ऑप्शन रहेगा BEd और BTC में, ठीक है, BEd ग्रेटर देन BTC। देखिए BEd में हमें फायदा क्या क्या मिलेगा, इसके द्वारा आप सहायक अध्यापक बन सकेंगे। योगी सरकार ने इसके लिए पूरा कानून पारित कर दिया, अब मतलब BEd करने के बाद सहायक अध्यापक आप बन पाएंगे, कोई बाहर नहीं कर सकता। BTC पहले हो रहा था, BEd बाहर होगा, फिलहाल BEd बाहर नहीं होगा, तो BEd सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। BTC करके आप सिर्फ और सिर्फ सहायक अध्यापक बन पाएंगे और कुछ भी नहीं बन पाएंगे। और BEd करने के बाद दोस्तों आपके पास TGT का ऑप्शन होगा, PGT का ऑप्शन होगा, KVS होगा, LT ग्रेड होगा, पता नहीं कितने ऑप्शन और आ जाएंगे BEd करने के बाद। तो BEd करना अच्छा ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षा नीति क्या कहती है। दोस्तों अगर नई शिक्षा नीति की बात किया जाए तो नई शिक्षा नीति कुछ ज्यादा ही चीज कह देगी आपके लिए दोस्तों। सबसे पहले ये कुछ ऐसा कहेंगे कि आपको पहले 3 साल तक जो नौकरी आप लोग करेंगे वो एक संविदा कर्मी बनकर नौकरी करेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, संविदा कर्मी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सैलरी जो मिल जाएगी 10 से 15 हजार रुपए तक मिल सकती है 3 साल तक पहले, ठीक है, 10 से 15 हजार रुपए सैलरी, जो आप दोस्तों स्टार्टिंग आपकी सैलरी की होती है लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में दोस्तों होती है, ठीक है, 45K। तो दोस्तों आज की आपकी 1 महीने की सैलरी और पहले 10 से 15 हजार, तो ये बड़ा ऑप्शन आपको देखने को, मतलब बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि पहले 3 साल तक आप लोग एक कम सैलरी में दोस्तों काम करना पड़ेगा, कुल कहने का मतलब ये है। तो अगर आप लोग चाहे BTC करें या BEd करें, भाई दोनों में यही रहेगा, तो आप लोग सोच लीजिएगा, क्योंकि BTC के पास एक ही ऑप्शन रहेगा सहायक अध्यापक का, और BEd के पास हमने बताया कि एक से अधिक ऑप्शन है आपके पास, आप लोग कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन BTC करने के बाद सिर्फ आप लोग एक ही चीज बन पाएंगे। तो और क्या नई शिक्षा नीति कहती है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था नई शिक्षा नीति के अनुसार आप लोग को 2019 जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार दोस्तों आपको पहले एक इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ हो सकता है दोस्तों थोड़े बहुत भ्रष्टाचारी लोग मिल जाए आपको टीचर,
जहाँ पे कुछ पैसे की डिमांड की जा सकती है, लेकिन आप लोगों को दोस्तों एक भी पैसा देना नहीं है फिलहाल। टीचर बनने के लिए तो कभी पैसा नहीं देना चाहिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों पैसा नहीं खिलाएंगे उनको, और लेकिन दोस्तों क्या करें, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो हमारा जो मेन टारगेट था, देखिए बात इस पर भी कर लेते थोड़ा कि बीटीसी का फॉर्म आखिर आएगा कब तक, क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कतें कहाँ पैदा हो रही हैं। देखिए दोस्तों इस समय जो सरकार है काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, और सरकार आपकी रोज कोई ना कोई बैठक हो रही है, जिसमें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा अपर लेवल और जो प्राइमरी लेवल है तीनों पर दोस्तों रोज डिस्कस किया जा रहा है, और उसमें लेकिन कोई ना कोई बड़ी अपडेट्स आपको देखने को जल्द मिलेगी। और दोस्तों ये फॉर्म की प्रक्रिया है, हो सकता है कि अभी मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार ना किया गया हो, इसकी वजह से ये फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। दोस्तों जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग का सत्र बड़ा होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया जुलाई से शुरू होती है, जुलाई 2019 से, ठीक है, तो ये लगभग जुलाई 2021 तक आपका सत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया अगर देर से शुरू होगी तो इसका सत्र भी देर से खत्म होगा। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि कब से ये फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द होगी दोस्तों। लेकिन इस समय अगर आपको कुछ करना है तो बीएड कर लीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपने बीएड का फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो बीटीसी कर लीजिए, दोनों सही है। एक साल वेस्ट करने का कोई फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो बीएड सही है, नहीं भरा है तो बीटीसी सही है, दोनों सही है। और बीटीसी में आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, उसका एक एडवांटेज मिलेगा सहायक अध्यापक में। बीटीसी में आसानी से आपके 90-95% बनते हैं, और वही बीएड में आपके दोस्तों बनेंगे 70-75%। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे दो गुणांक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप बीटीसी करेंगे तो सहायक अध्यापक बनना थोड़ा सा आसान होगा बीएड के कंपेरिजन में, क्योंकि दो गुणांक का एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो एक अच्छी बात रहेगी आपको बीटीसी करने पर कि दो गुणांक का आपको फायदा मिलेगा। तो आप लोग कुछ भी करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फायदा तो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति का जो विरोध था वो तो दोस्तों अब तो प्राइवेट संगठन ने भी किया है, तो इसे पारित होने में काफी मुश्किलें आ सकती है। जबकि आपकी नई शिक्षा नीति जो पूरी तरीके से 2030 तक लागू होगी, तो उसके छोटे छोटे पार्ट दोस्तों आपको हर साल लागू होते हुए दिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पहले साल ही पूरी शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। तो काफी चीजें एडवांटेज ये मिलेगा दोस्तों आप लोग को, प्राइवेट घर मिलने वाले हैं कुछ ही सालों में। अगर आप दूर नौकरी करेंगे तो गांव में आपके लिए अच्छे अच्छे घर बना के दिए जाएंगे, तो उतने जल्दी बनेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि 2020 में ही आपको 200 घर अलॉट कर दिए जाएंगे, तो उसी समय लगेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2030 तक ये पूरी तरीके से लागू होगी देश भर में। तो एज लिमिट हमने देख लिया, तो दोस्तों अगर आपका क्राइटेरिया एज लिमिट से इसमें नहीं आते बीटीसी में, अगर 18 साल या 35 साल या 40-45, तो आपके लिए दोस्तों ऑप्शन अच्छा रहेगा बीएड, कोई एज लिमिट है ही नहीं यहाँ पर। तो नौकरी पाना दोस्तों ज़्यादा आसान रहेगा दोनों में। देखिए एससी और एसटी कास्ट के लिए बीएड करना काफ़ी आसान रहेगा, सिर्फ आप लोग पास हो जाइए बीएड कर पाएंगे, लेकिन बीटीसी नहीं कर पाएंगे सिर्फ पास होने पर। तो थोड़ा बहुत तो क्राइटेरिया दोस्तों बीटीसी में आपके लिए रखा गया है। तो दोस्तों और भी अपडेट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तो और भी वीडियोज देखते रहते हैं और क्या अपडेट्स आती है। अभी तक फिलहाल दोस्तों ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों अगले एक हफ्ते में इसका फॉर्म आ जाना चाहिए 1 वीक, ठीक है दोस्तों। उससे ज़्यादा अगर लेट करेंगे तो दोस्तों लगभग जून का सप्ताह खत्म, महीना सब खत्म ही हो जाएगा, और जून खत्म होने के बाद जुलाई शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी तो मतलब अगस्त तक आपका वेट हो जाएगा, ठीक है, लेट हो जाएगा। तो इतना भी ज़्यादा दोस्तों शिक्षा नीति भी, शिक्षा विभाग खराब नहीं हुआ यूपी में, कितना ज़्यादा ही लेट हो जाए। आज से पहले दोस्तों इतना कभी हुआ नहीं था, लेकिन इस बार हो रहा है। और दोस्तों अब तो चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा प्रक्रिया नहीं चल रहा, कोर्ट भी बंद है, मतलब पूरी तरीके से हर जगह छुट्टियां चल रही हैं। तो ये फॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी दोस्तों, जैसे कि आपका सेशन जुलाई में शुरू हो पाता, लेकिन कम से कम 30 दिन का दोस्तों आपको समय दिया जाता है फॉर्म की प्रक्रिया पूरी होने में, दोस्तों मिनिमम 30 डेज। तो अब तो दोस्तों पूरी उम्मीद करिए कि आपको 30 दिन में ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पाए, मतलब दोस्तों आपका अगस्त से पहले कुछ हो नहीं पाएगा, कहने का मतलब ये। देखिए दोस्तों हम लोगों को दिक्कत पता क्या होगी, एक यूपी टेट का फॉर्म आता है वो अधिकतर अक्टूबर में आता है, तो दोस्तों उसके फॉर्म से हम लोग चूक जाएंगे, ठीक है। जैसे जितनी जल्दी सेशन खत्म होता है, जैसे जुलाई में समाप्त हो जाता है दोस्तों 2 साल बाद, तो उस समय हम लोग यूपी टेट का फॉर्म भर पाते हैं, सी टेट का फॉर्म भर पाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लेट करेंगे यूपी टेट सी टेट का फॉर्म भी हमसे छूट जाएगा। तो इस समय दोस्तों अगर आप लोग बीएड करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है बीएड तुरंत कर लीजिए, एडमिशन अगर हो रहा है बीएड में, एक नंबर भी होगा दोस्तों आप लोग का एडमिशन तो मिल जाएगा। आप लोग को पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी खाली हैं, तो अगर बीटीसी और बीएड में कुछ भी चूज करना है तो बीएड का ऑप्शन आज की डेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा बीटीसी की तुलना में,
आने वाले टाइम में दोस्तों हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि बीटीसी वालों को कोई और ऑप्शन दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ा पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी के बच्चे जो रहेंगे वो इंटर लेवल या हाई स्कूल लेवल में पढ़ा पाए। रीजन ये दोस्तों कि जो इनकी सिलेबस भी होता है वो दोस्तों प्राइमरी लेवल के हिसाब से बनाया जाता है, तो ये बच्चे ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएंगे। तो बीएड का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, जिन बच्चों के मैसेजेस आए थे हमारे पास, तो बीएड करना ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों आज की डेट में। और बीटीसी का फॉर्म दोस्तों जितना लेट करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा सेशन लेट होगा। मेन दिक्कत है कि हम लोग को सेशन लेट हो रहा है, ठीक है ना, 17 जब से शुरू होगा तभी से खत्म होता है, तो वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा नहीं, तो वेट करेंगे और देखेंगे, और दोस्तों जल्द से जल्द ये प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, sarkari.result.in पर, ठीक है, इस पर भी जाके दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और बीटीसी और बीएड के एडमिशन में क्या अपडेट्स हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाकर चेक कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे।